नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनस्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बीजेपी पर शहीदों के अपमान का आरोप लगाया और कहा एक तरफ बीजेपी शहीदों के शहादत पर वोट मांगती है और दूसरी तरफ उनका अपमान करती है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुबह के कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री श्री प्रताप शाही की उपस्थिति में शहीद सौदागर सिंह के अपमान से बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा भी नकाब हो गया है। शहीद के अपमान का प्रतिकार करने पर शहीद सौदागर सिंह की पौत्रवधू को बीजेपी ने जबरन कार्यक्रम स्थल से बाहर करा दिया। शहीदों और उनके परिवारजनों का अपमान होता देख कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों का सम्मान होना था। मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री श्री प्रताप शाही उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में शहीद सौदागर सिंह की पौत्रवधू अंजना सिंह के सामने शहीद सौदागर सिंह का अपमान हुआ, जिससे व्यथित होकर उनकी पौत्रवधू अंजना सिंह ने विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराने पर अपनी गिरगिरी होती देख बीजेपी नेताओं ने महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा शहीद सौदागर सिंह की पौत्रवधू को कार्यक्रम स्थल से जबरन बाहर करवा दिया, जो सर्वथा निंदनीय है। इस पार्टी के लोगों के पूर्वज कभी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिए, उनसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के सम्मान की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। देश के लिए 3 युद्ध लड़ने वाले प्रथम वीर चक्र विजेता शहीद सौदागर सिंह का अपमान सभी शहीदों का अपमान है। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए राष्ट्रभक्ति का ढोंग करती है और शहीदों की शहादत पर वोट मांगती है और मतलब निकलने पर शहीदों का अपमान करती है। अब देश की जनता बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है। बीजेपी शहीदों के शहादत पर वोट तो मांगती है, लेकिन काम निकलने के बाद उनका अपमान करने से नहीं चूकती है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों का सम्मान होना था, जिसमें शहीद सौदागर सिंह की पौत्र वधू अंजना सिंह कार्यक्रम में उपस्थित थी। उनके सामने शहीद सौदागर सिंह का अपमान हुआ, जो सभी शहीदों का अपमान है। बीजेपी के लोग हमेशा शहीदों का अपमान करते हैं और जिनके दल के किसी व्यक्ति के पूर्वज कभी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं हुए, देश की आज़ादी से जिसका कोई रिश्ता नहीं रहा, उससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के कृत्य की घोर निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी शहीदों के शहादत का सम्मान करती है और हमेशा करती रहेगी।